drop. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे घर के खाने में मसाला पापड़। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और क्विक बनकर तैयार होती है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। एक प्याज चॉप की हुई, एक टमाटर चॉप किया हुआ, नमक अपने हिसाब से, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया, एक लेमन जूस, 3 उड़द दाल के पापड़। अब हमने पैन में ऑयल गरम होने रख दिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। अब हमारा ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम इसमें पापड़ डालेंगे और डीप फ्राई करेंगे। अब हम दोनों भी पापड़ हमारे सेम मेथड से फ्राई करेंगे। तो हमारे यहाँ तीनों भी पापड़ फ्राई हो चुके हैं। आप इसे रोस्ट करके भी बना सकते हो, बट हमने इसे डीप फ्राई किया है। अब हम इसको साइड में रखेंगे। समय पहले हमने यहाँ एक बाउल लिया है। अब हम इसमें टमाटर चॉप किया हुआ डालेंगे, प्याज चॉप की हुई डालेंगे, हरा धनिया चॉप किया हुआ डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे, नमक डालेंगे और इसे अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। लेमन जूस डालेंगे। तो देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम एक सर्विंग प्लेट में फ्राई किया हुआ पापड़ रखेंगे। इसके ऊपर जो हमने मसाला बनाया है इसको हम इवनली फैला देंगे। तो देखिए, हमने इस मसाले को पापड़ पे अच्छे से फैला दिया। अब हम इस पे थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। और अब हम इस पे सेव की भुजिया डालेंगे। तो हमारा मसाला पापड़ यहाँ रेडी हो चुका है। इसे आप तुरंत ही सर्व कीजिए। तो आप देख सकते हैं कितनी इजी और क्विक रेसिपी है, बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी भी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये बच्चों से लेके बड़ों तक सबको पसंद आएगी। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होंगी। तो प्लीज़ लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।